संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। कक्षा 12वीं इतिहास। संविधान शब्द से एक संशय मन में पैदा हुआ होगा आप सबके कि ये इतिहास का विषय कैसे है। संविधान का निर्माण इस संशय का कारण है क्योंकि संविधान शब्द जो है वो कानून से संबंधित है और कानून संविधान जैसे विषय सामान्यतया राजनीति शास्त्र के विषय होते हैं। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा और गहराई से देखें, संविधान का निर्माण हमारा विषय है, अर्थात इस अध्याय में हम संविधान के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। इस अध्याय में हम संविधान के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम इसमें संविधान के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। संविधान कैसे बना, संविधान के पीछे क्या इतिहास है, संविधान की रचना की प्रक्रिया कब से और कैसे शुरू हुई, संविधान ने जो भी दिशा ली या जो भी संविधान में तय हुआ उसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों का हम विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे। इसलिए ये जो विषय है संविधान का निर्माण, ये चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इसे हमें पढ़ना है इसलिए इतिहास के विषय में है। और लगभग आपके इस अध्याय का, इस विषय का अंतिम अध्याय है, यानी इतिहास जो हमने बहुत प्राचीन काल से शुरू किया था जिसका अध्ययन कक्षा 12वीं में, वो अब हम समकालीन काल में आ गए हैं। बिल्कुल उस काल में आ गए हैं जिससे हमारा ताल्लुकात है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, और जिससे हम जुड़े हैं जिस संविधान से, उस संविधान की रचना कैसे हुई इसका हमको अध्ययन करना है। तो ये तो बात हुई संविधान का निर्माण, अब एक नए युग की शुरुआत। नया युग क्यों, पुराना युग और नया युग में क्या अंतर है? 1947 में भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त को, जो लगभग 200 वर्ष तक थी, उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज चले गए, उन्होंने सत्ता हमको सौंप दी, देश के निर्वाचित या नामांकित प्रतिनिधि देश की सरकार का हिस्सा बन गए। अंग्रेज चले गए लेकिन, और अंग्रेज गए तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन यदि अंग्रेज गए तो जरूरी नहीं कि अंग्रेजियत चली गई हो, और अंग्रेजियत से मेरा तात्पर्य यहां पर है वह कानून व्यवस्था जिसके तहत वे लोग भारत में शासन कर रहे थे वो बनी हुई थी। मैं पुनः दोहरा दूं, शारीरिक रूप से अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 के पूर्व, उन्होंने सस्ता हस्तांतरण कर दिया, लेकिन देश को चलाने के लिए जो अंग्रेजों के कानून थे हम उसी कानूनों पर चलते रहे तब तक जब तक कि हमारा अपना कानून नहीं बन गया, जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बन गया। और ये संविधान बनने की प्रक्रिया कब पूरी होती है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये प्रक्रिया पूरी होती है। इस दिन अंग्रेजों का कानून समाप्त होता है और भारत का अपना स्वयं का कानून उस दिन से भारत में लागू हो जाता है।
नेहरू का प्रसिद्ध भाषण जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त की रात को दिया था भारत के स्वतंत्रता के उपलक्ष में, वह विश्व प्रसिद्ध है। जब उन्होंने अपनी बात शुरू की थी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इंडिया अवेक्स टू फ्रीडम, व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइन एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल स्पीच, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की कहानी को, अपेक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को बड़े सार गर्भित तरीके से रखा था। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेज तो नहीं थे, पर अंग्रेजों का कानून था अपने दूसरे रूप में, जिस अब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में थोड़े बहुत बदलाव के साथ हमने उसे ही जारी रखा। और जब हमारा संविधान अपना बन गया तो हमने उसे 26 जनवरी को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा करते हुए हमने अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्ति पा ली, शारीरिक रूप से भी और संवैधानिक ढांचे के रूप में भी उनसे पूरी तरह से मुक्त हो गए। और अब भारत पूर्ण रूपेण भारतीयों का, हर दृष्टि से भारतीयों का हो गया। 26 जनवरी 1950 का दिन गणतंत्र दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि गणतंत्र दिवस क्यों कहलाता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर 26 जनवरी क्यों, और कोई सा दिन क्यों नहीं। सच्चाई तो यह है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लगभग 2-3 माह पूर्व बन गया था और उसका कुछ हिस्सा लागू भी हो गया था, तो फिर हमने क्यों गणतंत्र दिवस को पूर्व में क्यों नहीं मनाने की शुरुआत की, यह भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर हम बाद में देखेंगे, पर ये दो प्रश्न आपको याद रखने होंगे कि आखिर इस दिन को गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, और दूसरा 26 जनवरी को ही हमने संविधान क्यों लागू किया और किसी अन्य दिन क्यों नहीं। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। संविधान शब्द, सम विधान, विधान यानी नियम, सभी तरह के नियमों का संकलन संविधान कहलाता है। सभी तरह के नियमों का संकलन संविधान कहलाता है। संविधान या नियमावली या नियम कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है, या हमने अंग्रेजी कानून ही क्यों नहीं यथावत ले लिया, जारी रखा, अपना कानून बनाने की क्या जरूरत थी, इन सब के उत्तर हम क्रमबद्ध आगे पाते जाएंगे। आपको ये जानना है कि संविधान जो है वो कानूनों का संकलन है, और जब कानून बनाए जाते हैं तो मूलतः दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं कानून बनाते समय। एक तो कि हमारे लिए क्या सुविधाजनक है, क्या उचित है, उसको मद्देनजर रख के कानून बनता है, और दूसरा हमारे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, हमारा अपना इतिहास कानून की दिशा को प्रभावित करता है, कानून की दिशा को प्रभावित करता है। ये एक बहुत अहम शब्द है, कानून की दिशा। कानून की दिशा से तात्पर्य यह है कि हम लोकतांत्रिक चाहेंगे शासन व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था
या सैनिक व्यवस्था या राष्ट्रपति जहाँ मुखिया हो ऐसा ढांचा या संसदीय व्यवस्था, उसके अलावा हम कानून में कितनी शक्ति रखेंगे कानून के पालन परिपालन में, विभिन्न तरह के जो अपराध हैं इन अपराधों के लिए क्या प्रावधान होंगे, कितने कड़े कितने नरम होंगे। तीसरा, कानून बनाते समय ये भी देखना होता है कि जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, यानी लोगों की उम्मीदें कानून की पुस्तक से परिलक्षित होती हैं। कानून निर्माता जो हैं वो कानून बनाते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो कानून बनाया जा रहा है वह कानून से संबंधित लोगों की इच्छाओं की पूरी करता है, की पूर्ति करता है। एक परिवार का हम उदाहरण लें, क्या एक परिवार का कानून होता है? एक स्कूल का उदाहरण लें, क्या स्कूल का कानून होता है? एक परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार का कोई लिखित कानून नहीं होता। आपके परिवार में सुबह 6 बजे उठ जाने की प्रथा है, उसके बाद 7-8 बजे तक तैयार हो जाना, नाश्ता आदि करना, उसके बाद छुट्टियां हों तो 2 घंटे का अध्ययन करना और आदि आदि आदि। खेलने का समय भी शाम का रहता है, सोने का समय रात 10 बजे का है। ये एक प्रथा है, एक परंपरा है, कोई कानून कानूनी पुस्तक नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो। और उस परंपरा पर, उस ढर्रे पर वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। परिवार के लोग जब अलग अलग होते हैं, भाई लोग बड़े होते हैं, विवाह होता है, तो भी वही उसी पारिवारिक परंपरा के ढांचे में वो चलते हैं आदि आदि। ये तो हुई परंपरा रीति रिवाजों का। अब हम स्कूल को देखें जरा, स्कूल में क्या कानून है? यस, हर शाला का अपना, हर संस्था के अपना एक कानून होता है, कुछ कानून होते हैं बल्कि, और वो लिखित होते हैं। आपने पढ़ा होगा विलंब से फीस देने पर इतना पैसा फाइन लगेगा, विलंब से आने पर गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, गृह कार्य पूर्ण ना करने पर, समय पर जमा ना करने पर माइनस इतने अंक आपको काटे जाएंगे आदि आदि। ये सब लिखित रहते हैं और इसका परिपालन उस हर एक विद्यार्थी को और विद्यार्थी के परिवारों को करना पड़ता है जो उस शाला में पढ़ रहा है, दूसरों को नहीं, उस शाला में पढ़ने वालों। ये तो है लिखित कानून स्कूल की। अब क्या स्कूल की परंपराएं भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, स्कूल की अपनी परंपराएं होती हैं। ऐसे कई शालाएं हैं जहां देखा गया है कि बच्चे कक्षा के अंदर अपना जूता चप्पल उतार कर जाते हैं, दरवाजे पर बाहर उतारते हैं और अंदर जाते हैं, और इस प्रकार कक्षा को वो सम्मान देते हैं। दूसरी परंपरा है शिक्षक के आने पर विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग आदि कहते हैं। तीसरी परंपरा कि यदि असेंबली से कक्षा में आना है तो पंक्तिबद्ध होकर आते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं, ये वहाँ की परंपराएं हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक संस्था केवल परंपराओं से नहीं चलती, एक संस्था केवल कानून से नहीं चलती, वो एक दोनों के सम्मिश्रण से चलती है। भारत भी एक ऐसा देश है, एक ऐसी संस्था हम मान लें भारत को, जिसे एक कानून की जरूरत थी और उसकी अपनी परंपराएं भी थी।
परंपराओं की बात करें तो भारत की परंपराएं अनगिनत हैं। भारत स्वयं में इतना विशाल देश है, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न तरह का समाज, विभिन्न तरह के वर्ग, विभिन्न तरह के रीति रिवाज, भाषाएं, बोली यहाँ पे प्रचलित हैं। इन हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। भारत, इस नक्शे को देखें भारत के, तो विश्व के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो वह विश्व में दूसरा है ही। इतनी विशाल जनसंख्या की अपनी क्षेत्रीय परंपराएं होंगी, अपने क्षेत्रीय रीति रिवाज होंगे, क्षेत्रीय बोली होगी, क्षेत्रीय संस्कृति होगी। इस प्रकार हजारों संस्कृतियां यहां पनप रही हैं। ये परंपराओं के साथ भी देश चलता है, समाज चलता है, लेकिन मात्र परंपराओं के साथ ही नहीं। एक समय ऐसा आता है जब इन परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखते हुए इन सब क्षेत्रीय भावनाओं के ऊपर उठकर इस देश के लोगों को एकजुट रूप से कार्य करना होता है, और उस एकजुटता के लिए कानूनों की आवश्यकता है। कानूनों की आवश्यकता बांध के रखने के लिए है समाज को। कानून की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कानून की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार तात्पर्य ये कि भारत का जो संविधान है वह संविधान दो बातों पर आधारित है, एक तो कानून और दूसरा परंपराएं, और ये परंपराएं जो हैं इसने कानूनों को दिशा दी है, कानून के निर्माण में कानून निर्माताओं को एक दिशा दी है। भारतीय संविधान जिसे स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जैसा मैंने पहले बताया, वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। सर्वाधिक विस्तृत संविधान, और विस्तृत क्यों ना हो, आगे इसके विस्तृत होने के बारे में हम और बात करेंगे, पर आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि विस्तृत होने का कारण, मुख्य कारण ये है कि भारत का समाज ही इतना विस्तृत है, जनसंख्या ही इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है कि उनकी अपेक्षाओं को कानून के दायरे में लाने के लिए आवश्यक है कि सभी तरह के कानून सभी लोगों को समाहित करते हुए, लोगों की अपेक्षाओं को समाहित करते हुए बनाए जाएं। सच्चाई तो यह है कि देश के विस्तृत आकार और इसमें जो व्याप्त विविधताएं हैं वो भारतीय संविधान को बहुत पेचीदा और बहुत लंबा बना दिया है। विविधताओं ने हमारे संविधान को बहुत लंबा बनाया है, विशालकाय बना दिया है, विस्तृत बना दिया, और विस्तृत के साथ साथ पेचीदा भी बना दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बना दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर आप अभी जान लें कि हमारे संविधान जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है वह आखिर इतना विस्तृत क्यों है। जनसंख्या की विशालता के कारण, परंपराओं की विशालता के कारण, और क्षेत्रीयता की विशालता के कारण, विविधताओं के कारण। हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक अत्यधिक विशाल और विविधतापूर्ण ही नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ देश था। बिखरा हुआ देश से क्या तात्पर्य है, यहाँ रियासतें थीं, देशी रियासतें, अंग्रेजों के द्वारा संचालित रियासतें, उसके अलावा कुछ अन्य तरीके के शासन भी इन क्षेत्रों में थे।
इसलिए एक तरीके से बिखराव दिखता था, एक रूपता नहीं थी, क्षेत्रीय परंपराओं का बोलबाला था, रियासतों की अपनी स्वतंत्रता थी। तो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और स्वतंत्र भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए इस बिखराव को रोकना बहुत जरूरी था। सही है। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा, आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं, तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है, न करे तो हम दोनों उसमें पड़े हैं तो ठीक है, यूनो के पास जाओ, जाके वहां से कुछ हो ना हो, लेकिन वहां हम कहां तक बैठ रहेंगे, इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था, हमने किसको रास्ता दिया था? हमने किसी को रास्ता दिया नहीं, वो जो जूनागढ़ के लोग थे उन लोग अपने रास्ते से जाते थे वही रास्ते गए, उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं, और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई नसाब दिया, और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी किसी के पर, कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें, तो जैसे लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए, तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो, लोकमत इस प्रकार का करे, हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहां रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े, और हमारे गांव के गांव जलाए जाए, और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आकर लोकमत का रहा? फिर तो आकर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, स्वतंत्रता को बनाए रखने और प्रगति की ओर ले जाने के लिए जरूरी था कि ये बिखराव जो दिखाई दे रहा है वो बिखराव को रोका जाए, यानी एकजुटता का प्रयास किया जाए, एकजुट बनाए रखना, ये बहुत जरूरी था। और इसी के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखना और एक बिखराव को समाप्त कर एकजुटता की ओर अग्रसर होना, इसकी पूर्ति के लिए बहुत जरूरी था कि एक बहुत विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और बहुत सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया हुआ संविधान हमारे देश का हो। बहुत सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध, सावधानी पूर्वक इसलिए कि जो विविधताएं थीं, परंपराओं की विविधताएं,
क्षेत्रीयता की विरम्भताएँ, विचारों की विविधताएं और अपने अलग अलग इतिहास जो था अलग अलग क्षेत्र का, इन सब विविधताओं में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज थी। कई जगह तो क्षेत्रों के बीच की परंपराओं में ही विरोधाभास था। इन विरोधाभासों के बीच चलते हुए हमें रास्ता निकालना था और इसीलिए इस रास्ता निकालने की प्रक्रिया ने ही हमारे संविधान को इतना विस्तृत बना दिया है। सावधानी पूर्वक चलने के प्रयास ने भी हमारे संविधान को इतना विस्तृत बना दिया है। अंत में ये कहने में कोई हिचक नहीं कि निस्संदेह भारतीय संविधान हमारे इन दो तीन उद्देश्यों को पूरा करने में, इनको पाने में सफल रहा है, अर्थात मात्र हमारी स्वतंत्रता को ही अक्षुण्ण बनाए रखने में ही सफल नहीं रहा है, बल्कि समय के साथ साथ देश की एकजुटता को उसने मजबूती दी है, संबल दिया है। कानूनी जामा पहनाने का परिणाम ये हुआ है कि देश में जो बिखराव था वह अब समाप्त प्राय है। भारतीय संविधान दो कारणों से विशेष महत्वपूर्ण है। पहला कि इसका जो इतिहास है, इसका जो भूतकाल है, अतीत है और जो वर्तमान है, ये संविधान जो है इस भूत और वर्तमान के घावों को भरने में सफल रहा है, मरहम लगाने में सफल रहा है। इसके जो विभिन्न जाति और समुदाय जो बटे हुए हैं उनको एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में सफल रहा है। ये तो पहली बहुत बड़ी सफलता है कि पुराने घाव, अब पुराने घाव से क्या तात्पर्य, घाव कौन से, पुराने घाव कौन से, अनादिकाल से भारत में जाति प्रथा चल रही थी। जाति प्रथा के पालन में उच्च जाति और नीच जाति का जो वर्गीकरण हुआ, इसने निम्न जाति के वर्गों को बहुत घाव दिया। ऐसे ही पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अंतर था और महिलाओं की जो स्थिति यहाँ दयनीय हो चली थी, उससे महिलाओं, महिला वर्ग में भी काफ़ी कड़ुआहट थी। अछूत समस्या, बाल विवाह की समस्या, जाति की समस्या, ऐसी कुछ परंपराएं, ऐसी कुछ समस्याएं थीं जिन्होंने हमारे समाज के विभिन्न तबकों को गत कई सौ वर्षों में गहरा घाव छोड़ा था। ज़रूरत थी इन घावों पे मरहम लगाने की, ज़रूरत थी कि जो भारत का समाज जो जातीय समीकरण के आधार पे बटा हुआ है, विभक्त हो गया है, उसे एक सिंगल यूनिट के रूप में आगे बढ़ाना, और ये तभी संभव था जब एक राजनीतिक प्रयोग जो किया जा रहा था देश को एकजुट होने का, करने का, उस प्रयोग में सभी लोग शामिल हों। इस उद्देश्य में निश्चित रूप से हमारा संविधान सफल। दूसरी विशेष बात जो हमारे संविधान की है, विशेष महत्वपूर्ण है, कि इसने दीर्घ काल से जो बहुत समय से जो अस्तित्व में ऊंच नीच की भावना थी, अधीनता की जो संस्कृति थी, अधीनता मतलब किसी के नीचे रहने की संस्कृति, गुलामी में रहने की संस्कृति, भाई मुगल आए हम उनके गुलाम रहे एक तरीके से, मुगलों के पहले मुस्लिम शासन रहा उनके भी गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेज आए गुलाम रहे, लगभग 600-700 वर्षों की गुलामी की दास्तान और गुलामी जीवन जीने की जो आदत थी, जो संस्कृति हमारे में पनप गई थी, उसके साथ ही ऊंच नीच जो गहरे घर पैठ कर गई थी, ऊंच नीच की भावना, जाति प्रथा, अछूत प्रथा, ये जो बहुत गहरी हमारी संस्कृति में घुस गई थी, इनको, समाज को इससे निकालना और उनके मन में लोकतांत्रिक भावना लाना,
लोकतांत्रिक भावना अर्थात जहां सब समान हों, गुलामी की भावना से उन्हें निकालना जो गहरी घुस चुकी थी, ऊंच नीच की भावना से समाज को निकालना जो बहुत गहरी जा चुकी थी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना और ऐसा करते हुए दीर्घ काल से जो अस्तित्व में ऊंच नीच की भावना और अधीनता की जो संस्कृति पनप चुकी थी उसे दूर करना, ये दूसरी विशेष बात है हमारे संविधान की, और इसमें भी हमारा संविधान सफल रहा है। 1947 के संविधान अधिनियम के साथ भारत ब्रिटिश परंपराओं से मुक्त होता है, ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम चरण समाप्त होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बनता है। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम का मैंने जिक्र किया है इसके बारे में भी मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। फिलहाल जो मैंने बातें की हैं वे एक तरीके से हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि है, मात्र पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से तात्पर्य कि थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि हमारा कानून जैसा है ऐसा क्यों है, हमारा संविधान जिस रूप में है वह उस रूप में क्यों है, संविधान निर्माताओं ने क्या सोचकर ऐसा संविधान हमारे देश को दिया। तो संविधान निर्माताओं की भावनाओं का हमने कुछ जिक्र किया है, जनता की अपेक्षाओं का इस पृष्ठभूमि की चर्चा के दौरान हमने जिक्र किया है। अब आगे हम चलते हैं संविधान निर्माण से पूर्व की परिस्थितियां।